हेलो रिवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एसएससी सीपीओ के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम चलेंगे। एसएससी सीपीओ के थ्रू आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब या जितनी और हमारी आर्म फोर्सेज होती है उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। ठीक है, आज फर्स्ट डे था एग्जाम का, 9 नवंबर सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, नोएडा में सेक्टर 62 में सेंटर पड़ा था। तो इस वीडियो में आपको अपना रिव्यू देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली कैसा लगा एग्जाम, एग्जाम लेवल क्या था, मैंने कितने अटेम्प्ट करे। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि एक ऑथेंटिक रिव्यू मैं आपको देता हूँ। जो भी सही बातें हैं जैसा मुझे एग्जाम लगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैं बताया तो अपने बारे में, मैंने एसएससी सीजीएल सीएसएल एमटीएस तीनों ही क्लियर करे हैं। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम, वो भी मैंने क्वालिफाई किया था, 77 मार्क्स थे मेरे। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे 78 रॉ मार्क्स बने हैं। तो एक सही रिव्यू आपको मिलने वाला है। ये सब बातें बताने के पीछे मेरा सिंपल मोटिव ये रहता है कि ताकि आपको चीजें थोड़ी ज्यादा ऑथेंटिक लगे, वरना लोगों को डाउट रहता है कि शायद इस भाई को एक्सपीरियंस कम है, इसने एसएससी के डिफरेंट एग्जाम नहीं दिए, इसको पैटर्न का नहीं पता, शायद इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो बाकी सारी चीजें मुझे पता है, एक्सपीरियंस है मुझे एसएससी के सभी एग्जाम्स का। तो जो भी आपको इस चैनल पे बताता हूं मैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, और जो भी मेरे एग्जाम दिए हैं उसका मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आपको चीजें बताता हूं। ठीक है, रिव्यू की बात करने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ने जो न्यू बुक्स लॉन्च करी है उनके बारे में बताना चाहूंगा। टेक्स्ट बुक ने देखिए स्मार्ट बुक नाम से बेस्ट 4000 क्वेश्चंस की बुक लॉन्च करी है। ये बुक देखिए डिफरेंट है बहुत ज्यादा बाकी बुकों से, क्योंकि देखिए इन्होंने तीन चार चीजें काफी हटकर करी है यहाँ पर। पहला तो इन्होंने एसएससी के ही सारे क्वेश्चन रखे प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको पता है एसएससी के एग्जाम में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन सारे हैं इसमें। ये तो पहली खासियत है इसकी। दूसरी खासियत यह है कि इन्होंने हर चैप्टर के आगे, जो कि बिल्कुल रेयर चीज है, देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है हर चैप्टर के आगे, मतलब अगर वो चैप्टर आपको नहीं आता तो आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी टीचर की, और उस टीचर से आप उस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो बुक के साथ आपको जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, उन्होंने लेवल वाइज क्वेश्चन बांट रखे हैं हर चैप्टर के, तीन लेवल के क्वेश्चन, लेवल वन थोड़े आसान क्वेश्चन, लेवल टू में थोड़े मुश्किल, लेवल थ्री में हार्ड क्वेश्चन। तो आप एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जब वो अच्छे हो जाए तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज, इन्होंने टाइम दे रखा है कितने टाइम में नॉर्मल एवरेज में लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनके मॉक टेस्ट आपको पता है काफी ज्यादा फेमस है, तो इन्होंने वहां से डाटा उठाया है कि इस क्वेश्चन को करने में लोगों को एवरेज कितना टाइम लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप टाइम के अंदर क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। साथ ही इन्होंने आंसर की में दे रखा है कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोगों ने सही अटेम्प्ट करा, तो एक सही एनालिसिस इस बुक के थ्रू आपको मिल सकता है। पर्सनली मैं भी इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, आप इसकी हालत देख सकते हैं, 2-3 महीने हो गए इस बुक को फॉलो करते हुए, काफी अच्छी बुक है। अब बात करते हैं अपने सीपीओ एग्जाम के रिव्यू के बारे में। तो पहले मैं बात कर लेता हूं ओवरऑल एग्जाम कैसा था। तो 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करने थे। तो अगर कोई तैयारी नई नहीं कर रहा है, मान लीजिए 2-3 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं 2 घंटे आप 200 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आपको स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप 1-1.5 साल तैयारी कर रहे हैं तब भी मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी स्पीड बना के रखिएगा, क्योंकि मैंने जिस फ्लो में करा था, मैंने काफी स्पीड में क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा, तब भी लास्ट में मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बचे थे। ठीक है, मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़े नहीं थे, मैं डायरेक्टली अटेम्प्ट करता हूँ चल रहा था, सिर्फ 8 मिनट आने बच पाए थे। ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम था, आप 2-3 बार क्वेश्चन के पर गो थ्रू कर लेंगे और एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको स्पीड बना के रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट न्यू है, इस क्वेश्चन में फंस सकता हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को वापस छोड़ दीजिए। पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने, बाद में उस क्वेश्चन पर आना जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन में आपको चांस है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, टाइम नहीं भी लगेगा, तो वो क्वेश्चन जो है ना, आप समझो किस टाइप के क्वेश्चन, वो बाद में अटेम्प्ट करने है। और कोई भी क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करा, आंसर करेक्ट नहीं आया, तो उसे छोड़ दीजिए, दोबारा अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट मत करें। थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है ना 2-3 अलग टाइप के क्वेश्चन करने के बाद, जब दोबारा उस पर आएंगे तो शायद हो सकता है बहुत माइनर सी मिस्टेक हो और सॉल्व हो जाए बाद में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। पेपर लेंथी आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। कोई बोल रहा है इजी पेपर आ रहा है, तो बिल्कुल इजी नहीं आ रहा है, मॉडरेट से हार्ड पे आप कह सकते हैं इस टाइप का पेपर आ रहा है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए थे, तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा टफ आ रहा है, मैथ्स थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रही थी, मतलब मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि आपसे ना हो, बट मैथ्स में क्या था, सारे पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहे थे, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहा था, एवरेज निकालना था, और डीआई के क्वेश्चन 5 डीआई के क्वेश्चन थे 5 से 6, और सारे डीआई एक दूसरे से अलग थे, कोई भी डीआई 2 सेम नहीं थे। ठीक है, तो टाइम टेकिंग था। अब मैं बात करूं सब्जेक्टिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बात करता हूं इंग्लिश की। तो इंग्लिश देखिए ओवरऑल मॉडरेट लेवल थी, इंग्लिश में ज्यादा टफ नहीं लगी। ठीक है, वोकैब की वेटेज ज्यादा थी, एक पैसेज आया था आपका जैसा पहले पिछली बार भी आया था, और एक आपका क्लोज टेस्ट आया था। पैसेज में थोड़े क्वेश्चन अच्छे टाइप के थे, जैसे आपसे थीम पूछ रखी थी पैसेज की, टाइटल पूछ रखा था, और एक सेंटेंस दे रखा था, सेंटेंस किस टाइप का है, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा था। तो पैसेज में ये 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे टाइप के होते हैं कि आपको बताना होता है कि टोन क्या है पैसेज की,
आपसे थीम पूछ ली जाए पैसेज की, ठीक है। तो इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं थी, मुझे लगता है 40 तक स्कोर जिसने तैयारी कर रखी है वो कर सकता था इंग्लिश में स्कोर। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं थी, दो तीन क्वेश्चन मुझे लगे थे रीजनिंग में, ठीक है। जैसे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वाई एस एट द रेट का मतलब ये है, डॉलर के साइन का मतलब ये है, वो क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा था क्योंकि उसमें डॉलर का साइन और एक्स का साइन एक साथ दे रखा था जो जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, तो वो क्वेश्चन तो रॉन्ग था 100%। और एक क्वेश्चन सिलॉक का था, सम नोट वाला, वो क्वेश्चन पर्सनली मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। वेन डायग्राम वाले मेथड से मैं कर रहा था, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था कि बाद में एंड में आके 50-100 वाले तरीके से उसे करके देखूंगा, बट टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि पेपर लेंथी था, ठीक है। तो रीजनिंग में आप कह सकते हैं मैक्सिमम 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको फंसा सकते थे, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं थे। रीजनिंग का लेवल आप कैसे इजी से मॉडरेट के बीच में, रीजनिंग ज्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के जरूर थे जो लोगों को लगेगा टाइम टेकिंग थे, लेकिन बट आप देखेंगे रेलवे के एग्जाम भी अभी हाल ही में हुए थे, उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसा कुछ नया नहीं था उसमें, ठीक है। रीजनिंग आप और कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थी। मैथ्स आपकी आप कह सकते हैं मॉडरेट से ऊपर थी, मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपसे ना हो, बट मैथ्स क्या थी, थोड़ी कैलकुलेटिव मैथ थी, ठीक है। एडवांस मैथ का ज्यादा वेटेज नहीं था, ज्यादा वेटेज आपका जो आपकी अर्थमेटिक मैथ था उसी का था। मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, एक फ्रस्टम का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेंसुरेशन में जितने फॉर्मूले हैं अगर आपको रिवाइज नहीं है तो वो रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको पता ना हो। एक क्वेश्चन आपका ट्रिगो से था, ठीक है, शायद ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है कन्फर्म। बाकी ओवरऑल कहें तो मैथ्स ज्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक है, बट ये है कैलकुलेटिव जरूर थी। अगर आप स्पीड बना के नहीं रखेंगे तो मैथ्स में क्वेश्चन छूट सकते थे, ठीक है। लास्ट हम बात करें जीके के बारे में, तो जीके भाई वैसे ही जैसी होती है एसएससी की हवा उड़ाने वाली वैसी थी, बिल्कुल पसीने छूट गए जीके करने में। तो जीके मुझे लगा 10 से 12 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं आते होंगे, और मेरा एम सीपीओ करने का मेन यही है कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब, ठीक है, ये मिलेगी तो लेनी है, वरना नहीं मिलेगी तो नहीं करनी है, एसएससी सीपीओ जॉब ही नहीं चाहिए फिर, ठीक है, ऐसा है मेरा। तो मैंने जीके देखी, जीके में मुझे दिख गया था कि 7-8 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसे जो मुझे आते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं आते, ठीक है, जबकि मैं जीके काफी पढ़ रहा हूँ आजकल। तो मैंने क्या करा, जीके में 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। सुन के काफी अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है, झूठ क्या बोलना हवा बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 50 के 50। अब देखेंगे आंसर के आने पे उनका क्या था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जो मुझे सिर्फ आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करता तो 8-9 नंबर वैसे भी आते। अब मैंने 50 अटेम्प्ट कर दिए तब भी 8-9 तो आ ही जाएंगे, एक एवरेज देखिए हम प्रोबेबिलिटी लगाएं तो 8-9 तो वैसे भी आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ ज्यादा घाटे वाली बात लग नहीं थी मुझे, तो मैंने 50 अटेम्प्ट कर दिए। बाकी आप कहेंगे तो मैंने मैथ्स में सारे करे हैं और एक्यूरेसी 100% मुझे लग रही है, एक आधा ऐसे हो सकता है कि सिली मिस्टेक में चला जाए इधर उधर, बाकी मुझे मैथ्स में अपना विश्वास रहता है कि मैथ्स मेरी करेक्ट रहती है। रीजनिंग में मुझे लगता है एक क्वेश्चन सिलॉग वाला वो गलत निकल सकता है, बाकी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैक्सिमम लगा लो 2 सिली मिस्टेक, एक लगाते हैं एक सिलॉग का, तो 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में गलत हो सकते हैं। बाकी जीके तो मैंने बता दिया, भगवान की दुआ है 10-15 नंबर आ गए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और इंग्लिश में मैक्सिमम लगाता हूँ, मैक्सिमम 4 से 5 गलत हो जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता गलत होने चाहिए, बाकी आंसर ही आएगी तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू, बाकी आगे जिसका एग्जाम है उसको जीके में करना है, जीके में उसे आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से कम 4-5 क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भाई बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, वंदे भारत आंदोलन है ना, बंगाल विभाजन पे, ये नहीं पूछ रखा कब हुआ कहाँ हुआ, ये नहीं पूछ रखा है कि किस जगह से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता से हुआ था आपको पता है, कलकत्ता में भी जगह का नाम, तो बहुत डीप में पूछ रखा था। साइंस से कम 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 तो केमिस्ट्री क्वेश्चन मुझे याद भी आ रहे हैं, बट बताना नहीं चाहता मैं क्योंकि शेयर नहीं करना चाहिए रिव्यू, ठीक है, सस्ती ने मना भी कर रखा है। मैं आपको ओवरऑल टॉपिक बता दिया, साइंस से क्वेश्चन थे और आर्ट एंड कल्चर से 4-5 क्वेश्चन थे, काफी सही लेवल के क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर मुझे लगता है एसएससी रिवाइज ही नहीं करता, रिपीट ही नहीं करता आजकल जीके में, तो जीके में नए नए क्वेश्चन लाते रहता है, तो जीके का आप लोग देख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे रिवाइज शुरू कर लीजिएगा। करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर मई 2022 जून 2022 यहाँ की पूछ रखी थी, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था इसके रिव्यू में, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।